तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप कोई भी डिश टीवी यूज़ करते हो या फिर कोई भी फ्री वाला या फिर पेड वाला डिश यूज़ करते हो अपने टीवी में चैनल्स को देखने के लिए, तो आपका जो ऊपर सिग्नल वाला LNB होता है जो कि मतलब कुछ महीनों बाद जो है सिग्नल जो है पकड़ नहीं पाता, ख़राब होने लगता है, पुराना हो जाता है या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है जिससे कि आपके डिश टीवी में या कोई भी डिश आपका फ्री डिश भी है तो नो सिग्नल बताने लगता है या फिर उसमें सिग्नल अच्छे नहीं आते, तो उसे रिप्लेस कैसे करना है या फिर नए LNB को जो है जो कि छतरी आपका डिश का जो वो लगा हुआ है एंटीना, तो उसमें नया LNB इंस्टॉल कैसे करना है, तो ये दोनों चीज़ों के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्रैक्टिकल करके। तो सिंपली मैंने ये फ्लिपकार्ट से ये LNB नया मंगवा लिया है, अच्छी क्वालिटी का LNB है, एक चीप क्वालिटी का भी आता है जो कि आपको देखने से ही पता लगता है कि चीप क्वालिटी का कैसा होता है। तो सिंपली हम इसे अनबॉक्स कर लेते हैं और इसका क्विक रिव्यू करके आपको LNB को रिप्लेस करके या फिर इंस्टॉल करके एंटीना में बताते हैं और सभी चैनल्स भी आपको बताएंगे कि सिग्नल कितना अच्छा इसमें आ रहा है और किस तरीके से आ रहा है। तो सिंपली बॉक्स को हम ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों सिंपली हमने बॉक्स को ओपन कर लिया है, कुछ इस तरह का आपको सन डायरेक्ट का ये ओरिजिनल LNB देखने को मिलेगा, अच्छी क्वालिटी का जो कि जल्दी ख़राब भी नहीं होगा। दोस्तों वैसे तो इसकी MRP प्राइसिंग इसमें हटाई गई है कंपनी वालों की तरफ से जो कि फ्लिपकार्ट से मैंने ऑनलाइन बाय किया था, लेकिन ईजिली आपको 500-600 रुपये में ये ऑनलाइन पड़ जाएगा, मैंने भी इसी प्राइस में लिया हुआ था, तो आप स्क्रीन शॉट भी देख सकते हो। इसके अलावा आप एयरटेल का भी ओरिजिनल ले सकते हो जो कि आपको अच्छी क्वालिटी का और ओरिजिनल ये पड़ जाता है। तो सिंपली हम इसे अनबॉक्स कर लेते हैं और बाहर निकाल लेते हैं और निकाल के आपको आते हैं कि किस तरह की इसकी क्वालिटी जो है देखने को मिल जाती है। तो सिंपली दोस्तों हमने बॉक्स से इसे धीरे से बाहर निकाल लिया है, तो कुछ इस तरह से आप देख ही सकते हो, मतलब अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक इसमें यूज़ किया गया है और अच्छी क्वालिटी का आपको LNB देखने को मिलता है, देखने से ही पता चल रहा है कि कितनी क्वालिटी इसकी अच्छी है। लेकिन अगर आप दूसरा चीप क्वालिटी का देखोगे तो उसमें देखने में ही मतलब बदसूरत सा दिखता है, जिसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगता है जैसे कि देसी होता है ना, जैसे मतलब चीप क्वालिटी का, तो वो वैसे ही देखने में ही पता लग जाता है, तो ये ओरिजिनल क्वालिटी का है तो ये आपका काफ़ी लॉन्ग टर्म चलने वाला है। तो चलिए दोस्तों अब आपको इसको छतरी में लगा के बताते हैं और वायर अटैच करके बताते हैं कि किस तरह से आपने पुराना निकालना है या फिर रिप्लेस कर रहे हो या फिर नया भी लगा रहे हो तो कैसे लगाना है। तो सिंपली इस तरह से आपको एंटीना जो है देखने को मिलता है, तो ऊपर की तरफ स्क्रू लगे होंगे जिसमें ये LNB जो है पुराना आपका लगा होगा या फिर ये खाली भी हो सकता है अगर आप नया लगा रहे हो, तो सिंपली वो दो स्क्रू आपने निकालना है और नीचे से जो ये वायर लगी हुई है तो उसका जो एक नट होता है वो नट घुमाना है अपने गोल गोल, और नट घुमा के पहले वायर को बाहर निकालना है और उसके बाद LNB को जो है ऊपर दो स्क्रू होंगे प्लास्टिक के, तो वो आपने उसको सक्रियों को खोलकर बाहर निकालना है। तो अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, तो सिंपली हम वायर को बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों वायर को तो हमने बाहर निकाल ही लिया, आप देख ही सकते हो वायर बाहर निकल चुकी है, सिंपली गोल गोल नट घुमाना है तो सिंपली अपने आप ही वो बाहर निकल जाएगा वायर, पर ये थोड़ा सावधानी से आपने काम करना है, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है कि भी कोई नुकसान हो जाए। तो वायर हमने बाहर निकाल दिया, तो सिंपली हमने अब पुराने LNB को रिप्लेस करना है या फिर अगर आप नया लगा रहे हो तो सिंपली आपने ऊपर के स्क्रू ढीले करके नया LNB अटैच करना है, जैसे कि अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सिंपली हमने जो है स्क्रू दोनों निकाल लिए हैं और ये जो ब्लैक कलर का कवर है इससे हमने LNB भी बाहर निकाल लिया है, तो सिंपली इस तरह का आपका भी खाली होगा अगर आप नया LNB लगा रहे हो, और इस तरह से आपने इसके कवर में ये अटैच करना है। तो एक मैंने स्क्रू निकाल दिया था, एक नहीं निकाला था, तो सिंपली मैंने एक स्क्रू निकाल के काम चला लिया। अगर आपका ज़्यादा टाइट है तो आप दोनों स्क्रू निकाल कर कवर को बाहर निकाल के अटैच करके दोबारा ऊपर से कवर लगा सकते हो। तो सिंपली मैं ऊपर से जो है इसका नट कस देता हूँ, तो सिंपली ये LNB अब लग गया है और वायर को अटैच करके आप दोनों तरफ के सक्रिय टाइट भी कर सकते हो, जहाँ पर आपका सिग्नल अच्छा आ रहा हो वो आप टीवी में चेक करके अपना जो है सिग्नल चेक कर सकते हो चैनल्स को देख के। तो दोस्तों LNB हमने अटैच सक्सेसफुली कर दिया है, तो बिल्कुल इसी तरह से सिंपल तरीके से LNB अटैच हो जाता है, तो कोई ज़्यादा इसमें मुश्किल काम नहीं है। अब वायर को वैसे ही लगाना है जैसे कि निकाला था, तो इसका जो है नट वापस से कस देना है वायर का, और इजी तरीके से जब ये कस जाएगा तो वायर आपकी ईजिली लग जाएगी जैसे पहले लगी थी। तो मैं सिंपली इसका नट जो है कस देता हूँ और वायर को पक्के तौर पर इसे अटैच कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही आपका जो है नट कस जाए तो आपने जो है आप चेक करने अपने चैनल्स, तो दोस्तों ये नट जो है वो पक्का आपने कसते रहना है, जब तक ये पक्का रुक ना जाए कहीं पे जाके, तब तक आपने गोल गोल घुमाते रहना है, ढीला नहीं छोड़ना है आपने, क्योंकि आपकी वायर फिर ढीली रहेगी तो सिग्नल अच्छा नहीं आएगा, तो इसलिए आपने ध्यान रखना है। दोस्तों जैसे ही आप अपनी वायर को जो है अच्छे तरीके से कस दोगे LNB में, उसका नट जो है वो अच्छे तरीके पक्के तौर पर जो है उसमें कस दोगे, तो इसके बाद आपने अपने TV में जाकर चैनल्स को चेक करना है। तो सिंपली आप देख ही सकते हो मैंने अपना टेलीविज़न ऑन कर लिया है, तो
अच्छे तरीके से चैनल्स आ रहे हैं, सिग्नल भी मैं आपको बताऊंगा कि कितना सिग्नल स्ट्रेंथ इसकी आ रही है। हालांकि अगर आपके चैनल्स नहीं आ रहे हैं लगाने के बाद भी, तो या तो आपने वायर अच्छे से नहीं लगाई है, या आपने वायर अच्छे से छिली नहीं होगी या छोटी की होगी, तो वो आप सारा कुछ चेक करके कन्फर्म करके ही वो करना। अगर आप कन्फर्म हो कि वायर अच्छी लगी है, LNB भी अच्छे तरीके से अटैच है, तो सिंपली आपने LNB को आगे पीछे करके देखना है कि मतलब चैनल्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो थोड़ा घुमा के, क्योंकि होता है ना घुमाने के बाद चैनल्स अच्छे तरीके से आने लगते हैं, तो घुमा के आपने चेक करना है। और घुमाने के बाद जहाँ से जैसे आपका सिग्नल आ जाए, चैनल्स आ जाए, तो वहाँ पर आपने उसे सिंपली छोड़ देना है, तो आपके चैनल्स घुमा के अच्छे तरीके से आ जाएंगे। तो ये हमारा जो है देसी जुगाड़ होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ इसके सिग्नल्स के बारे में, जो कि हमने नया LNB अभी इंस्टॉल किया है। तो मैं आपको डिश टीवी में बता रहा हूँ, तो आप अपने जो भी आपका DTH जो भी कनेक्शन है, तो आप फ्री में हो, एयरटेल का हो, डिश टीवी हो या कोई भी हो, तो आपके फंक्शन में आप मेन्यू में जाके जो है चेक कर सकते हैं सिग्नल स्ट्रेंथ को। बाकी दोस्तों जैसा कि आपने देखा, हमने जो नया LNB इंस्टॉल किया है 87, 80, 75 इस तरीके से अच्छी क्वालिटी की सिग्नल स्ट्रेंथ आ रही है, यानी कि LNB अच्छे तरीके से अटैच हो चुका है, वायर भी हमने अच्छे तरीके से अटैच कर दी थी, तो सिग्नल की क्वालिटी काफ़ी अच्छी आ रही है। और NLB अच्छे से काम कर रहा है, सिग्नल भी अच्छे से आ रहा है, और सभी के सभी चैनल्स भी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं हमारे। तो दोस्तों आप भी अपने घर बैठे बिना किसी मैकेनिक को बुलाए, बिना किसी को पैसे दिए, इजी स्टेप को फॉलो करके LNB या तो आप रिप्लेस कर सकते हो, या फिर आप नया लगा रहे हो तो इस तरह से आप नया लगा सकते हो, वो भी बिना किसी को पैसे दिए, घर पे ही आप खुद से ये काम कर सकते हो। बहुत ही ईजी होता है ये काम, कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई भी बच्चा जो है इस काम को कर लेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। बाय लिंक्स मैंने नीचे दे रखे हैं, आप अच्छी क्वालिटी का LNB लेना चाहते हैं तो वहाँ से आप बाय कर सकते हो लिंक पर क्लिक करके। तो वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिए, साथ ही सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ऐसे अपडेट्स के लिए। फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।